हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आज यम्मी रेसिपी लेके आई हूँ। वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी लाइव ब्लॉग। और यहाँ पे देखिए, चिकन को नमक, हल्दी, थोड़े से नींबू का रस और सरसों का 2 चम्मच तेल से मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। यहाँ पे आलू को मैंने काट लिया है बड़े बड़े पीसेस में। और ये देखिए, इलायची, दालचीनी ले लिया है। बस यही है मेरे पास गर्म मसाला घर में, तो थोड़े से मैंने ले लिया है। और ये देखिए, बहुत छोटे छोटे लहसुन थे तो इनको मैंने सुबह चाय बनाने के टाइम में धो के भिगो के रख दिया था, तो साफ भी हो गए हैं और नरम भी हो गए हैं और छिलका उतारने की कोई ज़रूरत नहीं। और टेंशन मत कीजिएगा, ये साफ़ हो जाता है अच्छे से हाथ से मसल लेने से हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा एक बार ट्राई करके, बहुत ही अच्छा होता है, छिलका उतारने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ जब मेरे पास टाइम नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए, 1.5 इंच के करीब मैंने अदरक ले लिए हैं। और यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर 1.5 चम्मच के करीब, ये ना कश्मीरी मिर्च है कलर आने के लिए। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा ले लिया है, धनिया ले लिया है, ज़ीरा 1.5 चम्मच, धनिया 1 चम्मच। और ये देखिए, यहाँ पे मिर्च ले लिया है रेड चिल्ली, कच्चा वाला, लाल वाला, इससे अच्छा कलर भी आएगा, थोड़ा सा स्पाइसी भी होगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारा अनियन ले लिया है, इसमें से मैं थोड़ा सा तेल में दूंगी और थोड़ा सा पेस्ट के लिए रखूँगी। ठीक है, तो और एक डिश बनाऊँगी, ऑथेंटिक बेंगोली फिश चोचुरी। तो ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने ज़्यादा प्याज ले लिया था, आधे को पेस्ट कर लूँगी, आधे को तेल में दे दूँगी। और ग्रीन चिली ले लिया था, यहाँ पे भी ये पीसने के लिए ले लिया है। ये धनिया पत्ता मेरे गार्डन का, और ये टमाटर और चॉप कर लिया है, थोड़ा सा पेस्ट करूँगी और थोड़ा सा आपका ऐसे ही डालूँगा। और देखिए, थोड़ी सी अदरक ले लिए हैं, बस इतना सा ही मसाला जाएगा, ज़्यादा मसाला नहीं जाता है। और ज़ीरा पाउडर और रेड चिली पाउडर जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना, थोड़ी सी मैंने जीरा पाउडर लिया है और रेड चिली भी, थोड़ा सा अच्छा कलर लाने के लिए। देखिए, 1.5 चम्मच के, 1.5 चम्मच नहीं, यहाँ पे 1 चम्मच का, 1 चम्मच है। और ये देखिए, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, इससे थोड़ा सा अच्छा कलर आता है। तो चलिए, तो ये देखिए, मैं प्याज फिश में मैंने प्याज डाल दिया है मसल के। यहाँ पे टमाटर डाल रही हूँ, 1/2 टमाटर डालूंगी यहाँ पे और 1/2 रख दूँगी। ग्रीन चिली भी डाल दिया है और ये नमक डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ी सी टेस्ट के हिसाब से। और ये देखिए, ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। और जो जीरा नहीं था, वो रेड चिली पाउडर और ज़ीरा, अनियन, अदरक, वो सारे को एक साथ में मैंने पीस के मसाला बना लिया था, ये सारे मैंने डाल दिया है। और 2 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है, बस इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, थोड़ी देर के लिए मिक्स करके मैं रख दूँगी। ठीक है, तो इधर मैंने चिकन के लिए कढ़ाई बैठा दिया है। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच, बड़ा चम्मच का मैंने तेल डाल दिया था, तेज़पत्ता डाल दिया था और अनियन डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। और एक चीज़, मैंने चीनी भी 1/2 चम्मच डाला था। तो इन सारे चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई करके, इसमें जो मैंने मसाला बनाऊंगी बोला था, वो मसाला मैंने डाल दिया है, अनियन, अदरक, लहसुन, ज़ीरा, धनिया। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को, ये देखिए, वो जो मैंने गरम मसाला लिया था ना, उसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। ये देखिए, इसको मैं कूट लूँगी। ये बहुत ही अच्छा इन्ग्रीडियंट्स है, आप लोग देख के देखना कैसा लगता है बताना। तो ये देखिए, मसाला को थोड़ा सा हल्का सा भून के मैं यहाँ पे चिकन डाल रही हूँ। हल्का सा भूना था मैंने, ज़्यादा नहीं, ताकि पानी सूख जाए। तो देखिए, मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ मसाले के साथ चिकन को। चिकन का टेस्ट फ्राई करने में ही आता है। हाँ, यम्मी लग रहा है ना। देखिए, ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा है क्योंकि मैंने तेल में मसाले डाले थे ना, अगर मैं चिकन को मैरिनेट कर लेती उस मसालों से ना, तो बहुत सारा पानी निकलता, मुझे पहले पता नहीं था। तो है ना, बहुत ही फास्ट कुक होता है। इसके साथ अगर आलू को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी ना, तो ये जल्दी से फ्राई भी हो जाएगा, आलू बॉयल भी हो जाएगा चिकन के साथ, और अच्छे से मसाला भी आलू के अंदर चले जाएगा। कुछ नहीं आता है फ्रेंड, बस दिखा रही हूँ जो भी कुछ मैंने सीखा है, अपने मम्मी से सीखा है। मेरी मम्मी से मैंने बहुत कुछ सीखा है।
चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से फैला के डालना है क्योंकि ये फ़िश कच्चे हैं, तो थोड़ा सा अगर अच्छे से फैला के डालोगे ना तो फिश फ्राई हो जाएगा। गैस को थोड़ा सा कम कर लीजिए, वरना थोड़ा सा छीटा आ सकता है इसका। मम्मी तो इतने अच्छे से देती है ना, एकदम फ्राई हो जाता है नीचे का, फिर पलट देती है, फिर ऊपर का सब फ्राई हो जाती है, फ्राई हो जाता है। मैं सारे फिश को अच्छे से प्लेस कर दूंगी ताकि नीचे से फ्राई हो जाए, और इसका जो बचा हुआ ग्रेवी है वो भी मैं दे दूंगी इसमें। ठीक है, तो ये मैंने ढक दिया है, इसको ज़्यादा नहीं हिलाऊंगी वरना टूट जाएगा। तो चलिए चिकन की तरफ। इसका कलर देखिए आप, चिकन का तो कलर से ही अच्छा लगता है ना। हम पहले आँखों से खाते हैं फिर हम मुँह से खाते हैं, याद रखना पहले हम आँखों से खाते हैं। ठीक है, तो दिखने में चीज़ अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद मैटर करता है खाना। डेफिनेटली टेस्ट तो मैटर करता ही करता है। बट बनाने का भी एक कला होता है जो मुझे पहले नहीं पता था, जो अब मैं सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है ना, तो चलिए फिश की तरफ चलते हैं। बस थोड़ा सा हल्के हाथों में इधर उधर कर दूंगी, इस साइड भी थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल दूंगी उसमें। ठीक है, यही कला है इस मछली बनाने का, जो आपका टूटेगा नहीं। देखिए एक एक है, इतना छोटा छोटा फिश है फिर भी एक एक है। देखिए ना, इतना अच्छा कभी नहीं बना। शायद आप लोग के साथ मेरा दिल से जुड़ने का कोशिश ही शायद इतना अच्छा बनाया है। इतना अच्छा कभी मैं बना नहीं पा रही थी। देखिए कितना अच्छा से छूट गया है चारों तरफ से, एक भी फिश मतलब टूटा नहीं। बस मुझे बस अभी थोड़ा सा पानी डालना है, बस हो जाएगा। इतना अच्छा कभी नहीं बना था। आगे भी मैं बनाई थी, अभी डर रही थी पता नहीं आगे जैसा थोड़ा टूट जाए ना, पता नहीं। आप लोगों का प्यार ही है शायद मेरे लिए, और मेरा भी प्यार है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से दिखा पाई। थैंक यू गॉड, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बॉयल होने के लिए मैं थोड़ा सा डालूंगी, तो आपको जितना चाहिए, मेरे हिसाब से आप लोग भी ड्राई ही बनाना। ठीक, तो अच्छे से फैला दीजिए ताकि सारे फिश इक्वली पानी में डूबा रहे। ठीक है, तो ये देखिए डूब गया है। अब इस स्टेज में आपको क्या करना है, क्योंकि ज़्यादा तो पानी रहेगा नहीं, ये जो ग्रीन चिलीस है ना इसको दे देना है, और ये भी टमाटर भी इधर सेट कर देना है साइड से। यहाँ है ना, ये मैं एंड में डालूँगी। ठीक है, तो ढक्कन लगा दिया। लगभग हो गया है, बस मैं इसमें पानी दे दूँगी। इतना अच्छा हुआ ना, इसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है कि आप लोगों को क्या बताऊँ मैं। जब दोगे ना इसको फ्राई करके लास्ट में, तब पता लगेगा कि लक्ष्मी ने क्या बोला था। शायद कोई कोई देता भी होगा, नो डाउट। मिला लूँगी, देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है ना। कैसा लगा बताना, बहुत मेहनत होती है। प्लीज़ आप लोग देख के एक बस लाइक दबा देना, तब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों को अच्छा लगा। और आप लोग जब कमेंट करते हो ना, दिल को इतना सुकून मिलता है, मैं क्या बोलूँ, लगता है हाँ मेरा मेहनत का कुछ मुझे इनाम मिल गया है मुझे। सोचो आप लोगों का एक कमेंट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ एक कमेंट और एक लाइक देना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे छोड़ दूँगी, ये बन चुका है, गैस अभी बंद कर दूँगी। ठीक है, तो देखिए ये है मेरा फाइनल लुक फिश का। इतना अच्छा दिख रहा है ना, देखिए फिश, देखिए जैसा दिया था वैसा ही, टूटा नहीं है थोड़ा सा भी, तो हो गया है। इतना अच्छा लुक्स और स्मेल इतना अच्छा आ रहा है ना, क्या बताऊँ। प्लीज़ फ्रेंड्स अपना लोग ट्राई करिब, एंड बंधुरा तुम्हारा जता जरा नतून आछो आमार मतन, নতুন বেসিক্স তোমরা শিখছো, প্লিজ ট্রাই করো বরের মন জয় করার জন্য। অ্যান্ড বাকি ফ্রেন্ড ভি আগর আপ লোগোকো আচ্ছা লাগতা হ্যায় ফিশ খাতে হো তো ট্রাই করনা। ঠিক আছে, তো মানে ফাইনাল ইয়ে ধনিয়া দিয়ে দিয়া থা মেরে গার্ডেন কা বোলনে মে মুঝে বহুত খুশি হোতি হ্যায় ইউ নো।
अच्छे से रहना, ध्यान से रहना, खुश रहना और बहुत सारा पॉजिटिविटी के साथ रहना। आसपास जितने भी हो रहे हैं ना, बहुत ही दुखद घटनाएं हो रहे हैं हमारे असम में, क्या बोलूँ। रिसेंट मतलब बागजान में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, उसके मतलब दुख से ही अभी उभरे ही नहीं थे, वो सब देख के इतना ही ख़राब लग रहा था। फिर कल या परसों शायद एक इंसिडेंट हुआ है, परसों ही होगा, मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, क्या बोलूँ मैं, मेरे पास वर्ड नहीं है। प्लीज़, हम सब इंसान हैं और इंसान के जैसे ही हमें रहना है, एक साथ हंसी खुशी है ना, तो प्लीज़ ये मंत्र के साथ हम अगर आगे बढ़े तो अच्छा है। तो यम्मी लंच हमारा रेडी हो गया था और दोनों उन्होंने मिलके लंच कर लिया। बहुत ही यम्मी बना था, मैं खुद की तारीफ खुद करना नहीं चाहती हूँ, बट जब तक आप लोग ट्राई नहीं करोगे ना, आप लोग को पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड, एक बार ट्राई कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और साथ में बने रहिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।